नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है एरोस्पेस जो है बिजनेस में कामकाज करती है, जिसकी डिटेल हम लोग और इस वीडियो में आगे देखेंगे। अगर हम लोग इस कंपनी की बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों से, अगर हम लोग एक महीने का यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करें तो स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दी थी। 31% स्टॉक जो है भाग चुका था। द रीज़न इज़ दैट जैसे कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बैन लगाया था इंपोर्ट्स ऑफ सम 101 जो है स्पेशल इक्विपमेंट, जिसमें जो है ये कंपनी के भी इक्विपमेंट आते हैं, जिसका सीधा सीधा जो है फ़ायदा इसको मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे इंपोर्ट बैन हो जाएगा तो इंटरनल कंपनियाँ जो है इंडिया की विद इन कंपनियाँ जो है तो उनको इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा। तो इसके दम पे स्टॉक ने जो है पिछले एक महीने में अच्छी खासी रैली दिखाई। अगर हम लोग कंपनी के आज की प्राइस देखें तो 1174 रुपीज़ पर स्टॉक जो है आज के दिन क्लोज हुआ, ये स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे बात देखें तो गवर्नमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है स्टॉक से रिलेटेड, जो हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला रहेगा इस कंपनी की न्यूज़ से रिलेटेड, कैसी न्यूज़ आ रही है इस कंपनी की, गवर्नमेंट जो स्टेक बेच रही है तो कितना स्टेक बेच रही है और उसका कैसा असर इस प्राइस पे होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे इस कंपनी का वैल्यूएशन डिटेल्स, जहाँ पे सेल्स, नेट रेवेन्यूज, नेट प्रॉफिट कितना है इस कंपनी का पिछले कुछ सालों से, उसके डिटेल हम लोग चेक करेंगे। एज वेल एज कोई डेप्थ है या नहीं, प्रमोटर का कोई शेयर गिरवी है नहीं, वो देखेंगे। और फाइनली देखेंगे हम लोग चार्ट एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहाँ देखेंगे कौन सी लेवल बेस्ट लग रही है स्टॉक में एंट्री या एग्जिट के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि आपको हमेशा हमारे लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इस न्यूज़ को, जहाँ पे ये स्टॉक गिरने की बहुत आशंका यहाँ पे लग रही है। अगर हम लोग न्यूज़ को देखें, द गवर्नमेंट टू सेल अप टू 15% स्टेक इन HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट सेल करने जा रहा है 15% उसका हिस्सा। अगर हम लोग डिटेल में देखें, द गवर्नमेंट विल सेल अप टू 15% स्टेक इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक थ्रू ऑफर फॉर सेल OFS विच कुड फेच अराउंड 3000 करोड़। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फ्लोर प्राइस इज फिक्स्ड एज 1000 इक्विटी पर शेयर, तो ये सबसे दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर आज की प्राइस देखें तो आज क्लोज हुआ था स्टॉक 1177 रुपीज़ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो स्टॉक है 1001 रुपीज़ पे यहाँ पे जो है फ्लोर प्राइस पे बिकने जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 15% डिस्काउंट पे ये जो स्टॉक है बिकने जा रहा है। हम लोग यहाँ पे देखें तो OFS विल टेक ओपन अप फॉर जो है सेल यहाँ पे होने जा रहा है 27th and 28th of August, यानी कि कल और परसों ये जो है डील होगी यहाँ पे एक्सचेंज पे। हम लोग यहाँ पे देखते तो प्रमोटर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेल 3.34 करोड़ इक्विटी शेयर्स विच कंस्टिट्यूट अप टू 10%, तो यहाँ पे जो 10% हिस्सा है वो यहाँ पे जो है 3.34 करोड़ जो है अराउंड आता है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल 5% भी स्टेक यहाँ पे जो है गवर्नमेंट बेच सकता है अराउंड 1,67,000 की जो है और सब्सक्रिप्शन ऑप्शन थ्रू ये स्टॉक जो है बेचा जाएगा। तो ओवरऑल 10% + 5% ये जो निकल के आ रहा है 15% निकल के आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे और डिटेल में देखें तो ये जो पर्टिकुलर हिस्सेदारी है, द जितनी भी हिस्सेदारी बिकने जा रही है उसमें से 20% ऑफ जो पर्टिकुलरली OFS का जो है यहाँ पे क्वांटिटी वो रिजर्व किया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर हम लोग ये अनाउंसमेंट देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डे एंड ऑफ डे यानी कि ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद ये अनाउंसमेंट जो है यहाँ पे होते हुए हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम लोग कंपनी की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, तो ये कंपनी जो है डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाती है, और जो रिसेंटली न्यूज़ आई थी 101 जो डिफेंस के प्रोडक्ट है जो इम्पोर्ट होते हैं उस पर बैन लगा दिया गया था, उसकी वजह से स्टॉक में अराउंड जो है 30% रैली देखी गई। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कंपनी की कुछ वैल्यूएशन की डिटेल देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का है 39,222 करोड़, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। करंटली स्टॉक पी की बात करें तो 13.94 यानी कि 14 पे चल रहा है। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते तो इंडस्ट्री पी अराउंड जो है 17 पे चल रहा है, तो इंडस्ट्री पी से हल्के से जो है सस्ते दाम पर कंपनी अभी जो कामकाज कर रही है। हम लोग कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 23.33% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो 6.24% का सेल्स है 3 साल से। हम लोग फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू आ रहा है। ये कंपनी जो है जो अराउंड मार्च 2018 में जो है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे आई थी, तो कोई भी स्प्लिट अब तक कंपनी ने नहीं दिया है। कंपनी की रिजर्व की बात करें तो 12,930 करोड़ यानी कि 13,000 करोड़ का इस कंपनी का जो है रिजर्व है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट कैप से कंपेयर करें तो 33% का एक रिजर्व है इस कंपनी के पास, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी की अगर डेप्थ की बात करें तो 5,700 करोड़ का जो है कंपनी के ऊपर डेप्थ है। प्रमोटर की प्लेज यानी कि गवर्नमेंट का कोई जो स्टॉक है यहाँ पे प्लेज नहीं है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर हम लोग प्रमोटर की बात करें तो 89.97% हिस्सेदारी थी सितंबर 2019 में, जो कि कंसिस्टेंस है, कंटिन्यूसली वही हिस्सेदारी है। कोई भी स्टॉक जो है या फिर प्रमोटर की हिस्सेदारी बेचने की गवर्नमेंट की हिस्सेदारी वैसे के वैसे कांस्टेंट है। अगर तो FII की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो रिसेंटली इन्होंने हल्की सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIIs की बात करें, यहाँ पे हल्की सी हिस्सेदारी इन्होंने जो है बेची है। और हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी की भी हिस्सेदारी सेम है। और हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने हल्की हिस्सेदारी यहाँ पे जो है घटाई है। और हम लोग अदर्स की बात करें तो पब्लिक जो है रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पे जो है होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। रिसेंट इनकी जो है होल्डिंग है 1.21%। और हम लोग मेनली बात करें प्रमोटर की, तो इस पर्टिकुलर डील के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें जो है घटते हुए दिखेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं इस कंपनी का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है 2016 से 2020 तक का। अगर हम लोग कंपनी का टोटल इनकम देखें तो टोटल इनकम 18,000 करोड़ था मार्च 2016 में, जो कि कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्च 2020 में ये था 21,800 करोड़ के आसपास। और हम लोग कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी जिस हिसाब से कंपनी का इनकम बढ़ रहा है तो उस हिसाब से एक्सपेंडिचर भी हम लोग जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगर हम लोग करंट क्वार्टर की बात करें तो 17,400 करोड़ के आसपास इस कंपनी का जो है एक्सपेंस था। हम लोग कंपनी के इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं था 2016 में, धीरे धीरे कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो 378 करोड़ का इस कंपनी जो इंटरेस्ट पे आउट किया है। कंपनी के फाइनली नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,000 करोड़ का इस कंपनी का जो प्रॉफिट था मार्च 2016 में, वो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम लोग रिसेंट मार्च 2020 की बात करें तो यहाँ पे 2,890 करोड़ का यहाँ पे जो है इनकम हुआ है, कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ सकता है। द रीज़न इज दैट जिस हिसाब से कंपनी के यहाँ पे जो है इंपोर्ट्स पे बैन जो है आउट ऑफ इंडिया की लगा था, तो उसका सीधा सीधा हम लोग इफेक्ट फायदा इस कंपनी को होते हुए देख सकते हैं, जिसका परिणाम आने वाले क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए करते हैं इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो 900 रुपये के आसपास कंपनी चलती थी प्री कोविड लेवल देखा जाए तो। मार्केट गिरा तो ये कंपनी भी गिरी और यहाँ पे जो है 500 के भी नीचे कंपनी आ चुकी थी। उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे रिकवर किया और अगर हम लोग पिछले 2-2.5 महीने का यहाँ पे ग्राफ देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी ने रैली दी। इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट की बात करें तो जहाँ पे 101 जो पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो पर्टिकुलरली जो यहाँ पे इक्विपमेंट है उस पर बैन लगने की वजह से अच्छी खासी रैली स्टॉक में देखी गई। अगर हम लोग स्पेसिफिकली पिछले कुछ सेशन की बात करें तो स्टॉक में थोड़ी जो हम लोग जो है कमजोरी देख रहे हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिकली इस प्राइस की बात करें लास्ट क्लोजिंग की तो वो है 1,174 रुपीज़ पे। जिस हिसाब से इस लेवल की प्राइस पे यहाँ पे जो है OFS होने जा रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट डी अपनी जो है हिस्सेदारी बेचने जा रही है, तो नेक्स्ट जो पर्टिकुलरली दिन रहेगा उसमें डेफिनेटली हम लोग जो है एक गैप डाउन ओपनिंग आते हुए कंपनी में देख सकते हैं। अगर हम लोग कंपनी के कुछ दूसरे इंडिकेटर की बात करें तो RSI का नंबर निकल के आ रहा है 4062 पे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओवरबॉट जोन में जाता हुआ था स्टॉक, तो जिस हिसाब से यहाँ पे जो है एक बेयरिश मूवमेंट बना कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो उसका सीधा सीधा परिणाम हम लोग जो है इसके RSI के चार्ट पे भी देख सकते हैं। अगर हम लोग MACD चार्ट पे देखें तो जिस हिसाब से इसकी जो कैंडलस्टिक पिछले एक वीक में गिर रही, तो उसका सीधा सीधा परिणाम हम लोग जो है MACD चार्ट पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक बेयरिश क्रॉसओवर बनते हुए हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग कंपनी के इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज की बात करें तो करंटली ये स्टॉक इसके तीनों मूविंग एवरेज जो कि आ रहा है, येलो लाइन 50 का मूविंग एवरेज है, ब्लैक लाइन 200 का मूविंग एवरेज है और रेड लाइन 100 का मूविंग एवरेज है, तो तीनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर करंटली स्टॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के लेवल्स और सपोर्ट के बारे में। अगर हम लोग कंपनी की प्योर पॉइंट चार्ट पे देखें तो प्योर पॉइंट निकल के आ रहा है 885 रुपीज़ पे, जिसकी बहुत अच्छी ऊपर खासे जोन में कंपनी जो है अभी ट्रेड कर रही है। कंपनी का पहला रेजिस्टेंस देखिए जो कंपनी जो है पिछले 2 वीक सेशन पहले तोड़ा था तो वो था 1,015 रुपीज़ पे। कंपनी के दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो वो निकल के आ रहा है 1,158 रुपीज़ पे। जिस हिसाब से कंपनी ने इसका तीसरा रेजिस्टेंस जो था 1,431 रुपीज़ उस तक नहीं गया, लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करें तो यहाँ पे जो है 1,400 की लेवल यहाँ पे क्रॉस की, लेकिन इसके ऊपर स्टॉक नहीं टिक पाया और वहाँ से जो है हम लोग एक जो है थोड़ी गिरावट आते हुए देख सकते हैं। जिस हिसाब से कंपनी की इस पर्टिकुलर लेवल पे जो है 1,000 के लेवल पे यहाँ पे जो है OFS यहाँ पे होने जा रहा है, पर्टिकुलरली ऑफर फॉर सेल होने जा रहा है, तो यहाँ से स्टॉक जो कल के दिन यहाँ पे जो है गैप डाउन होने के बहुत ज़्यादा जो चांसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें तो कल के दिन आप जो है पहले 15 मिनट में यहाँ पे जो है स्टॉक ओपन होने दीजिए स्पेसिफिकली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर। और तो कंपनी के सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल के रहा है 742 रुपीज़ पे, जो कि बहुत नीचे है, और दूसरा सपोर्ट है 611 रुपये पे। तो करंट लेवल पे बात की जाए तो करंट मार्केट इतने डेफिनेटली नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, ना फिर इसके प्योर पॉइंट को यहाँ पे चेस होगी।
अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जिस हिसाब से बंधन बैंक में यहाँ पे जो गिरावट हुई थी, जो पर्टिकुलरली प्रमोटर ने स्टेक बेचा था 20% का, तो उसके वजह से यहाँ पे जो गैप डाउन ओपन हुआ था, तो उसका सीधा सीधे इसी तरह का हम लोग जो है यहाँ पे भी जो है परिणाम होते हुए देख सकते हैं। उसी टाइप की यहाँ पे भी हम लोग जो है गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देख सकते हैं। अगर हम लोग पोजिशन की बात करें, अगर आपकी स्टॉक में ऑलरेडी होल्डिंग होगी और अगर आप इस स्टॉक में जो है प्रॉफिट में हो, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक की होल्डिंग को जो है यहाँ पे रख सकते हो पोर्टफोलियो में। अगर आप इस स्टॉक की में होल्डिंग है और अगर आप इस स्टॉक में लॉस में हो, लॉस में इन द सेंस इस पर्टिकुलर कई जोन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर आपने कई स्टॉक में एंट्री ली होगी और अगर आप इस स्टॉक में लॉस में हो, तो यहाँ पे आप जो है करंट एक दो दिन जो है वीकली ट्रेडिंग सेशन में, डेली ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखिए, क्योंकि कल के दिन तो ब्रेकडाउन जो गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन वहाँ से अगर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है, 1000 की प्रॉफिट बुकिंग नहीं, अगर वहाँ से 1000 के लेवल नहीं तोड़ता है स्टॉक, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग बंदे रह सकते हैं, लेकिन 1000 के नीचे स्टॉक जाते हुए देख सकता है। तो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर के तौर पर आप जो है थोड़ा यहाँ पर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपका लंबे टाइम का नज़रिया होगा तो इस स्टॉक में आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट जिस हिसाब से यहाँ पर जो है बैन लग रहा है, 101 जो स्पेसिफिकली इंपोर्ट पे बैन लगाया है डिफेंस सेक्टर के, तो उसका आने वाले दिनों में परिणाम स्टॉक में देख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ से नहीं निकलेंगे अगर आप इसमें जो है लॉन्ग टर्म का अवधि हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के भी निवेशक हो, तो यहाँ पे जो है 1 वीक का कम से कम यहाँ पे जो है आप वेट कीजिए, देखिए कैसे कैंडल बनती है डेली चार्ट में, और उसके बाद ही यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट फर्दर डिसीजन लीजिए। अगर हम लोग फ्रेश पोजीशन की बात की जाए, तो यहाँ पे देखने वाली बात है स्टॉक आने वाले दिनों में कहाँ पे जो है स्टेबल होता है, कहाँ पे सपोर्ट लेता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ने जो है रैली दी है 800 850 के लेवल से, तो यहाँ पे अभी जो है नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनेगा वो देखने वाली बात है। ऑल्दो चार्ट लेवल पे यहाँ पे जो है 1015 रुपये के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, जो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तो बाद में ये सपोर्ट के तौर पे आएगा, लेकिन जिस हिसाब से 1001 रुपये पे यहाँ पे जो है OFS होने जा रहा है, तो इसके नीचे भी स्टॉक जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, कल के सेशन में हमें जो है क्लियर यहाँ पे जो है और इंडिकेशन मिलेगा, इसके नेक्स्ट डिसीजन हम लोग दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। अल्सो इस जो है स्टॉक में एंट्री एग्जिट लेने से पहले डेफिनेटली ये लेवल्स और टारगेट जरूर ध्यान में देखिए, और उसके बाद ही आपकी जो है एंट्री लीजिए, आपका खुद का एनालिसिस भी जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।